तो मेरा नाम है तो रात देख रहे हैं स्मार्ट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों काफ़ी दिनों बाद में मतलब ऐसे फेस कैम वीडियो बना रहे हैं, इधर है विकास भाई, ये भी वीडियो बना रहे हैं। तो अभी हम हैं असुरन चौराहे पे और आपको यहाँ का जो असुरन चौराहे को सुंदरीकरण और चौड़ाकरण किया जा रहा है, तो मैं आपको उसका वीडियो का अपडेट देने वाला हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इधर देख सकते हैं, इधर भी मकानें कुछ ध्वस्त की गई हैं, इस साइड भी और उस साइड भी, जो आपका जेल बाईपास की तरफ मौजदीपुर की तरफ जाता है उधर भी तोड़ दिया गया है मकानों को जो नगर निगम का था, और इस साइड भी देख सकते हैं रेलवे का जो था उधर भी तोड़ा गया है। तो चलिए आपको नज़दीक से कुछ दिखाते हैं और मैं आगे तक जा रहा हूँ और अभी बाइक में माउंट करता हूँ हेलमेट मोबाइल इस कैमरे को, उसके बाद मैं आपको पूरा अपडेट देता हूँ। और विकास भाई कुछ कहना चाहेंगे इससे? क्या कहना चाहेंगे, बस कहना ही चाहेंगे कि यार इतना परिश्रम करते हैं हम आप लोगों के लिए इतना बेहतरीन जो भी गोरखपुर में होता है सब कुछ दिखाने का प्रयास करते हैं। तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, एक लाइक करके हमारे चैनल को जरूर को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब माउंट करते हैं मोबाइल को हेलमेट। इधर देख सकते हैं यहाँ पे भी दुकानें थी, इसको ध्वस्त कर दिया गया है और ये चौराहा है असुरन आपका। तो चलिए मैं आपको उस साइड भी जो नगर निगम का बिल्डिंग था उधर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा तोड़ दिया गया है, और ये भी मकान जो इधर देख सकते हैं, इधर भी दुकानें थी वो भी तोड़ दिया गया है। रुकिए मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर देख सकते हैं इधर भी तोड़ दिया गया है और काफ़ी मतलब चौड़ा कर दिया जा रहा है इसको। एक मिनट मैं आगे से आपको घूम के आके दिखाता हूँ। तो इधर भी देख सकते हैं लेफ्ट साइड में इधर भी तोड़ दिया गया है, इधर देख सकते हैं पूरा एकदम चौड़ा कर दिया जा रहा है, चौराहा है आपका असुरन, इधर काफ़ी जगह हो गया है। और इधर जो जिधर आप जाते हैं इधर जेल बाईपास की तरफ, इधर भी रोड को चौड़ा किया जा रहा है, इधर आप देखिए। ओ भाई साहब काफ़ी ज़्यादा इधर काम हो रहा है, आगे आप देख सकते हैं आगे जेसीबी से काम चल रहा है। और इधर की सब मकानें देख सकते हैं ध्वस्त कर दी गई हैं, जो दुकान था यहाँ से हटा दिया गया है और इस साइड भी जो दुकान था वो हटा दिया गया है। आगे तक चल के मैं आपको दिखाता हूँ। ओ भाई साहब हाँ, इधर देख सकते हैं काम चल रहा है जेसीबी से, और ये रोड को चौड़ा भी किया जाएगा, ये भी रोड चौड़ा होने वाला है। तो चलिए मैं आगे आपको दिखाता हूँ। और अभी मेट्रो का काम तो नहीं चल रहा है, बट पहले रोड जो है चौराहा आपका चौड़ा इधर देख सकते हैं चल रहा है, बुलडोजर जो भी है जेसीबी काम कर रहा है, इधर देख सकते हैं पूरा एकदम हटा दिया गया है। और काफ़ी ज़्यादा मतलब इधर नुकसान हुआ है, बट क्या कर सकते हैं, आगे आने वाले समय में आपको पूरा वाइड चौराहा दिखेगा असुरन चौराहा, जो कि मेन प्रमुख चौराहों में से एक चौराहा है असुरन चौराहा। और चलिए इधर से मैं आपको उस साइड चल के दिखाता हूँ, इधर भी देख सकते हैं पेड़ काट दिए गए हैं पूरा, और चलिए मैं आपको उस साइड में ले चल के चलता हूँ। ओ भाई साहब सो गाइज आप लोग देख सकते हैं इधर पेड़ रोड को काट कर इधर भी चौड़ा किया जा रहा है। तो चलिए असुरन चौराहे की तरफ और आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं, इधर देख सकते हैं पूरा पेड़ रोड। ओ भाई साहब और इधर देख सकते हैं जेसीबी का काम चालू है। देख सकते हैं ओ भाई साहब, और इस साइड कितनी दुकानें थी, आप लोग जब आते होंगे तो देखते रहे होंगे कितना दुकानें थी इधर इस साइड, अब मतलब पूरा बदल चुका है। यहाँ पर देखिए कितना जगह हो गया है, इधर मिट्टी भी गिराकर बराबर कर दिया जाएगा और ये पूरा रोड को चौड़ा करके बहुत अच्छा मतलब यहाँ पे चौराहे को सुंदरीकरण किया जाएगा। इधर देख सकते हैं यहाँ पर कितनी दुकानें थी पहले, सब ख़त्म हो गई हैं। विकास भाई गाड़ी को चला रहे हैं, इधर देख सकते हैं इधर असुरन चौराहा है गाइस, यहाँ से दुकानों को नहीं तोड़ा गया है। हाँ
और इस साइड भी देखिए। तो गाइस इधर की दुकानें नहीं तोड़ी जाएंगी, ये तो फिक्स है, बट आगे वाले आने वाले समय में पता नहीं क्या हो सकता है। बट इधर तो इधर भी जाम काफ़ी ज़्यादा लगता है, क्योंकि आप लोग अगर आते होंगे तो पता होगा आपको, जाम काफ़ी ज़्यादा इधर लगता है। और चलिए आगे चलते हैं धर्मशाला की तरफ। और इधर तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा दुकानें हैं, और यहाँ पे जाम लगता है, पहले बहुत जाम लगता था, अभी भी जाम लगता है। और पीछे चौराहे को बल्ब सुंदरकरण कर दिया जा रहा, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और आने वाले समय में आप लोग देखेंगे कि मतलब गोरखपुर डेवलपमेंट, मतलब कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है गोरखपुर में। तो यह तो धर्मशाला ब्रिज पे हम लोग चढ़ने वाले हैं गाइज। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो उसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग ब्लॉग वीडियो के साथ, तब तक लिख जाए वंदे मातरम।